नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 2 महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग करते हुए सड़क पर मोटी नुकीले कीले लगा दी है। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक और सोशल मीडिया पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि सरकार को ब्रिज बनाने चाहिए, दीवार नहीं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली की सीमाओं पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही तैयारियों की तस्वीरों को शेयर किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि भारत सरकार पुल बनाइए, दीवारें नहीं। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक वीडियो ट्वीट किया। साथ ही प्रियंका गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री जी आपने किसानों से ही युद्ध। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद से ही किसानों के प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसानों ने एक बार फिर 6 फरवरी को चक्का जाम करने का भी ऐलान किया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा की तैयारियां बढ़ा दी गई हैं। पुलिस ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए ये कदम उठाया है। पुलिस ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों पर लोहे की नुकीली तारें लगा दी हैं, सरिये बिछा दिए गए हैं। इसके साथ ही बड़े बड़े डिवाइडर सड़क पर खड़े करते हुए उनके बीच सीमेंट भर दिया गया है। कंटीली तारों का इस्तेमाल किया गया है ताकि प्रदर्शनकारी किसान फिर से दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर ना ले आए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।